हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 192 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टी प्लांटेशन इन इंडिया। तो टी प्लांटेशन के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, हिली एरियाज एंड वेल ड्रेन्ड सोइल्स फेवर टी कल्टीवेशन, यानी कि जो हिली एरियाज होती हैं या जो जहां पानी अच्छे से आता है तो वहां वो कंडीशन फेवरेबल होता है, यानी कि अनुकूल होता है टी प्लांटेशन के लिए। सेकेंड है, इट इज़ कल्टिवेटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, तो इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों में उगाया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट टी प्लांटेशन इन इंडिया के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं शिक्षा अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग नोटेबल वर्क्स वर एसोसिएटेड विद द कृष्ण देवराय। तो तीन स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना है कौन सा ऐसा प्रख्यात कार्य था कृष्ण देवराय के, जो विजयनगर एम्पायर के तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो उनकी कौन सी लिखी हुई किताब है आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है जाम्बती कल्याणम, सेकंड है अमृत माल्यड़ा और थर्ड है प्रियदर्शिका। तो इसका सही आंसर है A 1 और 2 ओनली, यानी सिर्फ पहला और दूसरा सही है। जो KDR थे यानी कृष्ण देवराय, इनको आर्ट एंड लिटरेचर का काफ़ी शौक था और इसलिए इन्हें आंध्र भोजा भी कहा जाता था। जो अमित मालड़ा इनकी किताब थी वो तेलुगु में थी और जाम्बती कल्याणम जो थी ये संस्कृत में थी। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर्ड बाई बैंक्स इन इंडिया। तो तीन दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं इंडियन बैंक्स में उनके रिगार्डिंग सही है। आपका ऑप्शन है पहला, बोथ इंडिविजुअल एंड फर्म्स कैन बी डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर, तो कोई भी इंडिविजुअल यानी एक अकेला व्यक्ति या कोई फर्म कंपनी हो वो विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हो सकता है। सेकेंड है, डाइवर्जन ऑफ लोन्स फंड्स फॉर पर्पज अदर देन वॉट द फंड वॉज अवेल्ड फॉर शैल अमाउंट टू अ विलफुल डिफॉल्टिंग। तो यानी अगर कोई लोन या फंड अगर दिया जाता है किसी कार्य के लिए और उसके अलावा किसी और में इस्तेमाल होता है तो उस अमाउंट को विलफुल डिफॉल्टिंग बोलते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट आर मेड बाय। तो किसी राज्य में अपॉइंटमेंट हो, पोस्टिंग हो या प्रमोशन हो तो वो कौन करता है, यानी किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए गवर्नर, बी चीफ मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट या डी चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। तो उसका सही आंसर है ए गवर्नर, गवर्नर द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म पैरा बैंकिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। पैरा बैंकिंग क्या मतलब, नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा पैरा बैंकिंग का डिस्क्रिप्शन यानी कि व्याख्या करता है। तो उसका सही आंसर है बी, नॉन ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटीज विच आर बीइंग डन बाय द बैंक्स अपार्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी। यानी वो नॉन ट्रेडिशनल काम जो पहले से बैंक नहीं करती थी, मतलब ऐसा काम जो बैंक नहीं करती है नॉर्मल डे में, तो उसके अलावा अगर कोई काम करता है तो उसको पैरा बैंकिंग बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वॉज अ वर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ अजंता केव्स। तो कौन सा साम्राज्य अजंता केव के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है गुप्ताज, सेकंड है वकाटकास और थर्ड है पल्लवाज।
तो उसका सही आंसर है बी, वन एंड टू ओनली, यानी कि गुप्ता जैन वकाटकास थे, ये दोनों अजंता से जुड़े हुए थे। अजंता केव केव वॉज कंटेन अ वॉल पेंटिंग क्रिएटेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो अजंता केव में एक पेंटिंग लगी हुई है जो कि गुप्ता साम्राज्य के मतलब गुप्ता काल के समय में बना था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ नोमैडिक ट्राइब और एक तरफ रीजन से, आपको बताना कौन सा मैच सही है। पहला है बेदुइन, एरिया है अरेबिया। सेकंड है बिंदीबू, एरिया है साउथ अमेरिका। थर्ड है मजाई, रीजन है यानी एरिया है ईस्ट अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है बी, वन एंड थ्री ओनली, यानी जो बेदुइन है वो अरेबिया में पाते हैं और जो मजाई है ये ईस्ट अफ्रीका में है। वहीं जो बिंदबू है वो साउथ अमेरिका के नहीं है बल्कि अफ्रीका और थोड़ा बहुत जो यूरोप का जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे पाए जाते हैं। यूरोप के जो लोअर पोर्शन है बेसिकली वो माइग्रेटेड है तो उनके लिए नहीं कह सकते, बट हाँ अफ्रीका के पोर्शन में पाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम। परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। सबसे पहला है इट इज़ अ स्कीम फॉर अ रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन इन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। सेकंड, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और थर्ड, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ नेशनल मिशन फॉर अ एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, यानी NME का ये एक हिस्सा है। वहीं सेकंड स्टेट में कह रहा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो MOEFCC है इसका इसके द्वारा शुरू किया गया है और ये स्कीम रिड्यूस करता है एनर्जी कंजम्पशन का या एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री से। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, वन एंड थ्री ओनली, सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकेंड गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसका नहीं बल्कि एनर्जी जो मिनिस्ट्री हमारी उससे जुड़ा हुआ, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से उससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द रिवर सिस्टम पायरेटिंग स्ट्रीम रेफर्स टू। अगर रिवर सिस्टम की बात करें तो पायरेटिंग स्ट्रीम क्या होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, अ रिवर विच हैज कैप्चर्ड द पाथ ऑफ अनदर स्ट्रीम, यानी वो रिवर जिसने दूसरे नदी का जो रास्ता था उसको घेर लिया है उसको बोलते हैं पायरेटिंग स्ट्रीम। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपना अगला और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर बॉर्डर विद द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारा यानी पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है वो पश्चिमी तटीय क्षेत्र से मतलब बॉर्डर करते हैं। सेकंड है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हैव मोर नेचुरल पोर्ट्स देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो उनके पास जो पोर्ट्स हैं यानी हार्बरिंग पोर्ट जो होते हैं जहाँ शिप्स वगैरह आती हैं तो कुछ नेचुरल होते हैं कुछ मैन मेड होते हैं। तो जो नेचुरल है वो वेस्टर्न में ज़्यादा है बजाय ईस्टर्न यानी जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं उनके मुकाबले। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ वन एंड टू, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है कह रहा था कि नेचुरल पोर्ट्स वो पोर्ट होते हैं जिनमें मतलब एक चूंकि शिप को पोर्ट तक लाने के लिए एक डेप्थ की जरूरत होती है तो वो डेप्थ नेचुरली जिन पे होता है तो उनको नेचुरल पोर्ट बोलते हैं और जिनमें बनाया जाता है उनको आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से है क्योंकि वो सबमर्ज्ड हमारा वो है कोस्टल एरिया है जबकि जो ईस्टर्न है वो सबमर्ज्ड नहीं है, वो थोड़ा सा मतलब ये फॉल्टिंग की वजह से बना है पश्चिमी घाट और वो जो ईस्टर्न घाट है वो फॉल्टिंग की वजह से नहीं है बल्कि वो एक्सटेंशन बेसिस पे है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी GS पेपर जो 191 था हमारा उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा खीर भवानी मेला वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन। तो जो खीर भवानी मेला है ये कहाँ मनाया जाता है आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है बी जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए इसके साथ जाने से पहले आज का यानी GS पेपर 182 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है
फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया द ड्यूटी टू पे टैक्सेस इज अ, अगर कोई भारतीय नागरिक है तो अगर उसको उसकी ड्यूटी है टैक्स पे करनी थी करने की तो क्या है आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए फंडामेंटल ड्यूटी है, बी लीगल ऑब्लिगेशन यानी किसी सरकारी एक्ट या कानून की वजह से उनको पे करना होता है, सी नेचुरल ऑब्लिगेशन या डी मॉरल ऑब्लिगेशन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।